ये अंततः हम लोग को आज शिप पे जाने का मौका मिला। स्क्रूज पे दो बार हम लौट चुके थे, तो ये बस देखिए जाने का रास्ता। और यहाँ लगेगा नहीं कि पटना में है, इस तरीके का नजारा कुछ देखने को मिलेगा। और ये पटना में घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और इस तरीके का देखिए बैठने का ये, और ये ऊपर का नजारा। और यहाँ भी आप लोग एकदम बैठकर इस तरीके से नजारा देख सकते हैं। पूरा म्यूजिक सिस्टम के साथ और ये रह गया सीटिंग कैपेसिटी। इस तरीके से बैठे रहिएगा, लगेगा कि एकदम होटल में बैठे हुए हैं। और ये खुला लॉबी हो गया, आइए ऊपर लिए चलते हैं। ये रहा यहाँ का ऊपर का नजारा, शायद यहाँ से ऑपरेट होता होगा, यहाँ से ऑपरेट करते हैं स्क्रूज को। तो एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, खुशी आएगी इस पे। और शायद आपको टाइटैनिक मूवी भी याद आ जाए। यहाँ ओपन एरिया हो गया, यहाँ का नजारा देखिए। मतलब कि जो आप लोग जानते थे कि पानी में चलता तैरता हुआ होटल, ये वही है। पटना वाले को तो एक ये अच्छा विकल्प है, एक अलग तरह की फीलिंग लेने के लिए कि अगर एक जगह घूमते घूमते आप बोर हो गए हैं तो ये गंगा एमवी कौटिल्य विहार, यहाँ आइए और मस्त मजे कीजिए। तो ये रहा आपका सीटिंग कैपेसिटी पूरा। और इसमें कंडीशन है कि मिनिमम 50 लोग चाहिए। और यहाँ से भी एक ऊपर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। अंदर में कैफेटेरिया भी है जिसका अलग से चार्जेस लगेगा। मस्त इसमें हल्का रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, तो ये भी फैसले। तो सेकंड फ्लोर पर थे, अब चलते हैं सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे। यहाँ थोड़ा सा रास्ता सबसे खड़ा है, मेहनत लगेगा इसमें चढ़ने में, फिर भी मैं आप लोगों को ये चढ़ के दिखाऊंगा। तो ये रहा पूरा ऊपर का नजारा, आ जाइए। बेहतर विकल्प है पटना में घूमने के लिए। तो तक खोल के लोग अंदर गए हुए हैं। और यहाँ का नजारा देखिए, अभी रात हो चुका है।
सामने गंगा की नज़ारा है और मस्त यहाँ से ओवर ब्रिज को देख सकते हैं कि ट्रेन जा रही है जो दीघा पहलेजा घाट है जो सारण की तरफ चली जाती है। तो कुल मिलाकर यही है कि एक बहुत बेहतर ही विकल्प है। अगर आप विकल्प की तलाश कर रहे हैं पटना में, खास लोगों के साथ आना चाहते हैं, तो बिल्कुल शाम में आइए और बहुत ही मिनिमम चार्जेज में आप घूम सकते हैं बिहार सरकार की अच्छी पहल। और जो लोग पूछते हैं ना कि बिहार में क्या भाव, अभी तो बिहार के ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को मैं दिखाऊंगा जो लोग जानते भी नहीं होंगे कि बिहार में ऐसा भी है। और यहाँ मस्त पायलट साहब बैठकर हम लोग को घुमाएंगे, ऑपरेट करेंगे। और मुझे तो मूवी की मैं फिर बोल चुका हूँ, लेकिन फिर बोला मुझे टाइटैनिक मूवी की याद आ गई। तो ये सेम टाइटैनिक वाला फील आएगा। टाइटैनिक वाला कोच कैसे था पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर यही है, मैं अब मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। बहुत धन्यवाद।